तो वो हंस वाहिनी है, श्वास प्रश्वास में वे विराजमती है, उसका प्रकटन होता है। यदि मैं अपने श्वास प्रश्वास पे थोड़ा सा भी नियंत्रण लाऊं तो उसकी जो अभिव्यक्ति होती है बहुत सुंदर होती है ना। वो पहले आप पाठ करोगे ना तो उस प्रकार से एक लक्ष्य रखना पड़ेगा, उच्चारण स्पष्ट हो रहा है, उच्चारण स्ट्रांग जिसको कहते हैं तेजस्वी हो रहा है, ठीक है, तो हमारा श्वास प्रश्वास नियंत्रित हो रहा है, हंस वाहिनी है, स्थूल स्तर पे सरस्वती प्रसन्न हो रही है। उसी श्वास प्रश्वास को लेते हुए जब एक मन में संतुलन आने लगता है, वाणी से आपने मंत्र का उच्चारण किया, स्तोत्र का, फिर समाहित हो गए, तो वही गूंज रहा होता है मन में। तो मन में जप करने के लिए एक अवलंबन सा मिलता है। यहाँ का विचार इस प्रकार की चंचलता मन की शांत हो गई होती है और उस प्रशांत अवस्था में आप जो जप करते हो वो सिद्ध होने लगता है। वाणी का संयम, श्वास प्रश्वास पे एक तनिक सा नियंत्रण, बहुत लंबा चौड़ा प्राणायाम नहीं, उच्चारण करते समय बस आधार बन जाता है, फिर वो सरस्वती हंस वाणी होती है और फिर हमारे हृदय में उसका अनुग्रह प्रकट होने लगता है, जप करते समय आनंद आने लगता है।